पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने रविवार को आरोप लगाया कि औपनिवेशिक काल की भारतीय दंड संहिता की जगह लाया गया भारतीय न्याय संहिता विधेयक राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पुलिस की दमनकारी शक्तियों का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि एनडीए सरकार औपनिवेशिक युग के कानून को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन वो देश में तानाशाही लाना चाहते हैं। सरकार ऐसा कानून बनाना चाहती है जो न्यायाधीशों, लोक सेवकों और अन्य सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की उन्हें अनुमति दे। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि मैं जजों को सावधान रहने की सलाह देना चाहूंगा। ये बिल देश को अंधकार में ढकेल देगा। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बिल्कुल विपरीत है। यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सरकार नहीं चाह रही है कि इस देश में लोकतंत्र कायम रहे।